लोकसभा चुनाव 5 साल पहले दल बदलुओं की थी बहार, अब नहीं मिल रहा भाव। बिहार के संदर्भ में देखें तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में एक बुनियादी फर्क है। 5 साल पहले हुआ 2014 का लोकसभा चुनाव दल बदलने वालों के लिए स्वर्णकाल था, तो इस साल का चुनाव ऐसे लोगों के लिए पूरी तरह निराश करने वाला है। कह सकते हैं कि दो चुनावों का फर्क इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए स्वर्ग और नरक की तरह है। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी पाबंदी दलों पर है, वे एक सीमा से अधिक उम्मीदवार नहीं उतार सकते हैं। नतीजा दिख भी रहा है, सिटिंग होने या पिछले चुनाव में अच्छा वोट बटोरने के बावजूद दल बदल के आधार पर टिकट की गारंटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। कीर्ति आजाद और उदय सिंह पप्पू या फिर ताकतवर कहे जाने वाले पप्पू यादव इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सिटिंग होने के बाद भी किसी गठबंधन से टिकट हासिल करने में उन्हें नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। यह संकट सीटों की कमी के चलते पैदा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड जदयू में पिछली बार 38 उम्मीदवारों का समायोजन हुआ था। 1.5 दर्जन दल बदलू या पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार खप गए थे। 2019 में जदयू के पास सिर्फ 17 सीटें हैं। वह इनमें से अधिकतम सीटों पर जीत हासिल करना चाहता है। इतने उम्मीदवार दल के अंदर ही मिल जाएंगे। एक या दो बाहरी उम्मीदवारों की गुंजाइश बन भी जाए तो यह बाजार की मांग के हिसाब से कम ही मानी जाएगी। 30 सीटों पर लड़ी भारतीय जनता पार्टी भाजपा भी 17 पर सिमट गई है। भाजपा ने भी पिछली बार दल बदलने वाले या पहली बार चुनाव लड़ने वालों का दिल खोलकर स्वागत किया था। सांसद वीरेंद्र चौधरी, रामकृपाल यादव, सुशील कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, जनक राम आदि इसके उदाहरण हैं। राजकुमार सिंह जहां पहली बार चुनाव लड़े, बाकी सांसद दल बदल कर भाजपा में आए थे। राजद से जदयू में गए संतोष कुमार भी पूर्णिया से चुनाव जीत गए थे। बीते चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल राजद 27 सीटों पर लड़ा था। श्री भगवान कुशवाहा और मंगनीलाल मंडल दल बदल कर जदयू के उम्मीदवार बने थे। कुशवाहा ने इस बार भी दल बदल लिया है, इस समय वे जदयू में हैं। राजद में पप्पू यादव की आमद भी चुनाव के वक्त ही हुई थी। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार बाहरी थे। 3 राज्यों में सरकार बनने के बाद दल बदलुओं के बीच कांग्रेस का क्रेज बहुत बढ़ गया है। कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों को उपकृत करने की कोशिश कर सकती है। अनंत सिंह तो कांग्रेस के टिकट का दावा भी कर चुके हैं, लेकिन राजद का ब्रेक कांग्रेस को रोक रहा है। दल बदलू किस्म के लोग कांग्रेस में हौसला भर रहे हैं कि सभी सीटों पर लड़कर देख लीजिए, करामात होगी। पर पार्टी का समझदार हिस्सा जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। उसे पता है कि बिना गठबंधन के सभी सीटों पर उम्मीदवार देना अंततः राजद को ही लाभ पहुंचाएगा। दल बदलुओं या मेहमानों के लिए मुफीद समझी जाने वाली लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के हाथ भी पहले की तरह खुले नहीं रह गए हैं। पार्टी का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथों में है। युवा होने के कारण उनके पास राजनीति करने के लिए लंबी पारी बची हुई है, सो वे बदनामी से भी डर रहे हैं। कुछ चुनावों में लोजपा इस आरोप के साथ बदनाम रही है कि वे उम्मीदवारों के चयन में जनवरी समर्थन के बदले धन समर्थन पर जोर देती है। रालोसपा ने पिछली बार नए चेहरे के तौर पर रामकुमार शर्मा को अवसर दिया था। कहना कठिन है कि लोजपा इसकी पुनरावृत्ति भी कर पाएगी। दल बदलुओं को लेन देकर आशा की किरण बहुजन समाज पार्टी बसपा में दिखाई दे रही है। बसपा का एक हिस्सा सभी 40 सीटों पर उम्मीदवारी की वकालत कर रहा है। वह सभी सीटों पर लड़े तो कुछ नए लोगों का चुनाव लड़ने का अरमान पूरा जाएगा। फिर भी बसपा को समझदार उम्मीदवार मिल पाएंगे संदेह है, क्योंकि राज्य में राजग और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई की तस्वीर बन रही है। त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना नहीं रहने के कारण बाहुबली और धनबली भी चुनाव लड़ने के प्रति उत्साह न दिखाएं तो यह ताज्जुब की बात नहीं होगी।